ऐसा देखा गया है कि 25 नेता का एक सर एक एनालिसिस एक न्यूज़पेपर ने की थी कि 25 नेता जब अपोजिशन पार्टी से बीजेपी की तरफ आ गए तो उसमें से 23 लोगों के ऊपर से जो है इस तरह के केसेस को या तो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया या ड्रॉप कर दिया गया। इस बारे में पहली बात है, एक भी केस ड्रॉप नहीं किया गया है। जो अदालत कहेगी वही होगा, हम कोई निर्णय नहीं लेंगे, स्वतंत्र है। दूसरी बात है, पॉलिटिकल लीडरशिप के केस कितने हैं भाई? ओनली 3%। 97% अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट जेल में है। आखिर के संस्था का जन्म क्यों हुआ है भाई? अगर इन संस्थाओं का जन्म इसी काम के लिए हुआ तो काम नहीं करेगी क्या? और अदालत इतनी बड़ी है जी, किसी को जमानत नहीं दे रही है अदालत, तो अदालत देखती होगी ना भाई। और भ्रष्टाचार के मामले में हम कम से कम उसको लाइट न ले जी। पहले एक जमाना ऐसा था, आपको आरोप लगता था ना तो भी हल जाते थे। आज गुनाह सिद्ध हो चुका है, सजा हो चुकी है, फिर भी आप हाथ ऊंचा कर कर करके फोटो निकलवा रहे हो। आप भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हो। इस देश में ये आलोचना का विषय होना चाहिए। भ्रष्टाचार को न्यू नॉर्मल के रूप में ट्रीट नहीं करना चाहिए, वरना इस देश का बहुत नुकसान होगा जी। और मैं देख रहा हूँ धीरे 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 ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है, हाँ ठीक है यार वो तो चलता रहता है। यही तो देश, गरीब आदमी मर रहा है जी। हमने कैसे भी करके इससे देश को मुक्त करना चाहिए, रिजॉल्व होना चाहिए कंट्री का, वो नहीं हो रहा है जी। और मैं तो मानता हूँ कि भाई देखिए, मैं जो कोशिश कर रहा हूँ, एक सिस्टम को पॉलिसी ड्रिवन बनाओ, टेक्नोलॉजी को भरपूर लाओ। आज हमने, पहले एक प्रधानमंत्री कहते थे 1 रुपया जाता है 15 पैसे पहुँचता है जी, आज मैं कहता हूँ 1 रुपया जाता है पूरे 100 पैसे पहुँचते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्यों? सिस्टम को सुधारो भाई।